माननीय सभापति महोदय, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन वाला विधेयक 2024 में मेरी पार्टी शिवसेना के तरफ से मैं समर्थन में खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी, आज भूजल और अगर नदियाँ नाया कुएं समुद्र तक का प्रदूषण अगर देखा जाए जल दल का, तो ये पूरी गंभीरता से ये समस्या है। ये समस्या केवल एक राज्य की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। माननीय सभापति महोदय, भारत में व्यापक रूप से फैला हुआ जल प्रदूषण एक कठिन चुनौती है। देश में 1,95,813 बस्तियां गांव में पानी की गुणवत्ता खराब है, जिससे आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है। लेटेस्ट अध्ययन में के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण 2019 में 2.3 मिलियन से अधिक लोग की असामयिक मृत्यु हुई है। आज नगरों और महानगरों का जोखिम विकास हो रहा है। कोई भी आवासीय परियोजना या औद्योगिक परियोजना सीवरेज उपचार संत्र के बिना पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नदी और जलाशय में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि देश में लगभग 70% सीवरेज उपचार संत्र STP निष्क्रिय। माननीय सभापति महोदय, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा सीवरेज उपचार संत्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता है। कई बार कई महानगरों इसके ऊपर रोक या थाम लगाती है या नियंत्रण करती है, लेकिन कई ऐसी संस्थाएं उस पर ज़्यादा कर ध्यान नहीं देती। माननीय सभापति महोदय, इसमें हाउसिंग सोसाइटी, उद्योग, होटल, सरकारी कॉलोनियाँ, ये कई सारी ऐसी बड़ी बस्तियाँ होती है, उसमें ज़्यादा कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान कार्यरत नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान स्थापित करना एक महंगा मामला है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान इसका लगभग लागत कई ज़्यादा होने के कारण इसमें बिजली की आपूर्ति, जनरेटर सेट स्थापन करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इसमें प्रावधान होता है, लेकिन कई सारे जितने सोसाइटी इमारतें ये काम नहीं करती। इसका रखरखाव के लिए भी ज़्यादा लागत लगती है। माननीय सभापति महोदय, भारत में 11,000 से अधिक STP चालू है, लेकिन उसमें अधिकतर सीवरेज उपचार करने वाली क्षमता पूरी तरह से नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 और 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता का डेटा विश्लेषण के आधार पर CPCB ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण के संकेत यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर देश में 30 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 289 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। पहचान के ये खंडों पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए की आवश्यकता है। आशा है कि संशोधन के लिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि खेतों में पानी छोड़ना, छोटे और नियंत्रित उद्योग से आने वाले पानी को सीधा नदी या नाले में छोड़ना। आज के समय में ये हालत गंभीर है। देश में कोई भी ऐसा जल स्रोत नहीं है जो प्रदूषित नहीं है, और हकीकत में ये है कि देश के 80% से ज़्यादा जल स्रोत बहुत ज़्यादा प्रदूषित
हो चुका है, इसमें भी ये वो जल स्रोत ज़्यादा प्रदूषित है जिसके आसपास बड़ी संख्या में आबादी है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी में गिरावट है। इसके सेवन से कई तरह से बीमारियां होती है। देश में खासकर कर ग्रामीण इलाकों के में स्वास्थ्य के में के स्तर का बड़ा कारण जल प्रदूषण है। दूषित पानी की वजह से कॉलरा, टीबी, कैंसर जैसे बीमारियां हो सकती है। भारत में पेट के विकारों की से पीड़ित 80% मरीज प्रदूषण पानी में से होती है। महोदय, देश में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से 2,00,000 लोगों की मौत होती है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पानी देने की सुविधा है। तो माननीय सभापति महोदय, लेकिन अगर जल शुद्ध नहीं होगा हर घर जल कैसे पहुंच सकता है, ये भी बात बड़ी कठिनाई है। केवल जल का प्रदूषण नहीं, जैसे कि ज़्यादा बारिश होने से तालाबों में बड़े नालों में मिट्टी जाती है, उसमें भी प्रदूषण बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, इस पर ज़्यादा करके ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देश के लोगों का हेल्थ अगर सुधारना हो तो शुद्ध पानी देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब बिल रखते हुए कहा कि प्रदूषण बोर्ड की नियुक्ति पर माननीय मंत्री जी आपने कहा है, ज़्यादातर हर राज्यों में जो ये नियुक्ति होती है ये राजनीतिक तौर पर उसकी नियुक्ति करते हैं। इसमें जो जिसको समझ है, जो उसका जानकार है, उसकी नियुक्ति होनी आवश्यक है और ये मामले तत्काल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। जहाँ नदी मेरे महाराष्ट्र में तो जितनी नदी आए वो तो पूरी तरह से खराब हुए, केमिकल का पानी ज़्यादा करके औद्योगिक क्षेत्र का केमिकल का पानी नदी में जाता। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर की आलंदी, जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की देहू, ये पूरी तरह से दूषित हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा करके इस पर ध्यान दिया तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसी बात पर मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन